फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास वीडियो लेके आई हूँ। आई एम जिनल पटेल एंड होप यू गाइज डूइंग गुड। सो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि हम फेशियल करने के टाइम पे क्या क्या चीजें हैं जो हम ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर आप रखते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट अगर आप नहीं रखते हो तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करो फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है एंड आप सोचते होंगे कि इतना ज्यादा अच्छा करता हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये वो, मेरी स्किन डैमेज हो गई है, खराब हो गई, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, आप बाकी चीजों पे दोष देते रहोगे। बट अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको थोड़ी सी ही मेहनत में बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना होगा, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्लींजिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं एंड फेस वॉश से फेस वॉश नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करें, क्योंकि उससे हमारा जो ऑयली फेस होता है एंड डस्ट पॉल्यूशन वो सब हटा देता है। उसके बाद क्लींजिंग करने से वो थोड़ा थोड़ा मसाज भी होता है एंड डीपली स्किन क्लीन भी होती है। तो यानी कि फेस वॉश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, हम जब भी हॉट टॉवल ट्रीटमेंट करते हैं तो ये करना भूल जाते हैं कि उसको पोर्स, जब हॉट टॉवल ट्रीटमेंट करते हैं तो पोर्स हमारा ओपन होता है, तो उसको क्लोज करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी जब भी आप हॉट टॉवल ट्रीटमेंट करते हो तो उसके बाद कोल्ड टॉवल ट्रीटमेंट करना मत भूलना, या तो फिर आप आइस क्यूब से मसाज करना मत भूलना, उससे आपके पोर्स बंद होंगे। तो यानी कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड, हम सारे स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं फेशियल में, बट जब भी स्टेप आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देते हैं। तो यानी कि जब भी हम स्क्रब करते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा घिस घिस के करते हैं। स्क्रब एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी थोड़ी दानेदार यानी रफ होती है, और अगर उसको ज़्यादा जोर से या फिर भारी हाथ से करते हैं तो हमारी स्किन और ज़्यादा डेड होने की चांसेस रहते हैं एंड हमारे स्किन सेल्स ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो यानी कि उसको हल्के हाथों से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि सबके बिजी लाइफ में फंक्शन के पहले अचानक से उनको एक ही बार में सारे डेड स्किन सेल्स रिमूव कर देने हैं एक साथ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको अपनी स्किन को एटलीस्ट 2-3 दिन या फिर धीरे 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 उसको रिमूव करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर एक ही बार में घिस घिस के करोगे तो यानी कि आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि हमारी बाकी स्किन के मुकाबले हमारे फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो उसमें ज़्यादा ज़ोर से कुछ भी मसाज करने से वो फ़ायदा नहीं होता है, ऊपर से स्किन ख़राब होने लगती है हमारी। उसके बाद फोर्थ, जब भी हम स्किन को मसाज करते हैं तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में करना चाहिए, जैसे कि अगर सर्कुलर मोशन में भी करते हैं तो ज़ोर ऐसे ऊपर की साइड होना चाहिए, ना कि नीचे की साइड। जनरली करते हैं तो ऐसे ही करते हैं हम, तो यानी कि वो बहुत ही गलत मेथड है, क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन में करेंगे तो हमारी स्किन दिन ब दिन लचीली होती जाएगी और झुर्रिया भी बनने लगेगी। अपवर्ड डायरेक्शन में करने से स्किन टाइटन रहती है एंड यंग लगते हैं हम। अगर आप ये वाला स्टेप करते हैं तो उसमें तो आप ऑटोमेटिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, बट जब भी सर्कुलर मोशन में करते हो तो उसका जोर ज़्यादातर डाउनवर्ड में मत रखना, उसको अपवर्ड में ही जाने देना, ताकि आपकी स्किन टाइट रहे और आप यंग लगो। उसके बाद जब भी हम फेशियल करते हैं तो आप तुरंत ही बाहर जाने का कभी भी होता हो तो आप फेस को कवर करना मत भूले, और जब भी आप फेशियल करते हो तो उसके बाद आप सनलाइट में जाना अवॉइड करिए, या तो फिर अगर आपको जाना होता है तो आप अपने फेस को कवर करें, और अगर फेस को कवर भी नहीं कर सकते हो तो उसको आप पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाए और उसके बाद सनस्क्रीन लोशन लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि फेशियल करने के बाद हमारी स्किन एकदम और सेंसिटिव एंड डेलिकेट हो जाती है, जिससे डायरेक्ट हमें इफेक्ट करता है कोई भी सनलाइट है या तो फिर डस्ट पोल्यूशन, वो हमारी स्किन में डायरेक्ट इफेक्ट करता है, तो हमारी स्किन और ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे बेटर है कि आप एटलीस्ट उस दिन तक आप अपने फेस को अच्छे से कवर करें, या तो फिर प्रोटेक्ट करें, या तो फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड सनस्क्रीन लोशन लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और अहम पॉइंट,
कि आप जब भी फेशियल करते हो तो कई कई बार ऐसा होता है कि मैंने बस जल्दी में फेशियल मुझे करना है तो एकदम स्पीड में रगड़ 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 के सब कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। वो बस करने के लिए होता है क्योंकि जब भी हम फेशियल करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी स्किन एकदम रिलैक्स हो और आप अच्छे से उसको मसाज कर लें, ना कि पूरा रगड़े एकदम, क्योंकि उससे आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना एकदम शांत इसिस, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्किन भी फ्रेश हो रही होती है साथ में। जितना आप शांति से करते हो तो उसके सेल्स भी हैप्पी होंगे और आपको हैप्पी वाला रिजल्ट देंगे, वरना आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप रगड़ रगड़ के करोगे तो भी 5 मिनट लगेगा, तो इससे बेटर है कि आप और 5 मिनट ऐड करके आप शांति से करोगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी स्किन और ग्लो और प्यारा सा निखार देगी। तो यानी कि यही थे मेरे आज के टिप्स, और ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हम फेशियल करें, तो आप बिल्कुल ना भूलिए इतने टिप्स। एंड प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया करिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके रिव्यूज़ पढ़ना। सो होप यू लाइक माई टिप्स एंड एन्जॉय दिस वीडियो। सो बाय, टेक केयर टिल माई नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।